इसमें हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 के बारे में। कहता है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबी भुजा 6 सेंटीमीटर है, बीसी 8 सेंटीमीटर है और बी का मान 90 डिग्री है। इससे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। उसके बाद कहता है बी से एसी पर बीडी लंब डाल देना है। उसके बाद कहता है बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना, एक ऐसा वृत्त खींचना है जो बी सी डी से होकर जाए। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्लास 10th के एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप के प्रश्न में। शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बीसी एक रेखाखंड खींचते हैं 8 सेंटीमीटर यहां पर रख के, बीसी इसका 8 सेंटीमीटर हम रेखाखंड खींच दिए, इसका नाम रख देना है बी सी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है क्वेश्चन बी पर जो है ना हमें 90 डिग्री कोण बनाना है, तो बी पर 90 डिग्री कोण बना लेते हैं। इस बी पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा जा रहा है तो बना देंगे। इसके लिए एक बार चाप काटेंगे, पहला बार कटेगा 60, ठीक है, दूसरा बार भी 60 कटता है। इसी 60 को दो भाग में बांटेंगे, यहां से फिर हम इसको ऊपर की ओर काटेंगे, उसके बाद फिर इधर से काटना है इसको, यानी दोनों ओर से हमें क्या करना है, इसको काट देना है, यहां से काटे एक बार, यहां से काटे, ठीक है। काटने के बाद ये जो पॉइंट आएगा यही 90 डिग्री होगा। अब हमें इसको 20 से खींच देना है एक लाइन, इससे हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है, इस तरह से हम लाइन खींचे हैं, कहता है ए से बी जो है 6 सेंटीमीटर है, तो बी तो हमारा है, अब ए इसी ओर होगा, तब ने बी से ए, तो यहां 6 सेंटीमीटर पर हम निशान लगा लेते हैं, इसी पर यहां पर आ रहा 6 सेंटीमीटर, तो यहां हम निशान लगा दिए, ठीक है, हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये बिंदु, ठीक है ना। अब ए बी हो गया इस तरफ का कितना 6 सेंटीमीटर। अब इससे हमें क्या करना है, एक लाइन खींच देना है जो त्रिभुज बन जाएगा, इस तरह से ये लाइन मिला दिए हम, इसको हटाएंगे तो ये त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, बी सी को दो भाग में बांटकर, यानी बीच सेंटर से केंद्र मानकर हमें एक वृत्त खींचना है, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा करेंगे तो 4 आएगा, तो या तो हम इसको डिवाइड कर लें या तो इंची से ही 4 पर निशान लगा लेते हैं, ताकि ज्यादा अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत सारा कचरा हो जाएगा, तो सुविधा के लिए हम 4 पर निशान ही लगा देते हैं और उसी को केंद्र मान लेंगे, ठीक है। इसको दोनों तरफ चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं, ठीक, अब इसको हमें एक वृत्त खींच देना है, इस तरह से हम क्या किए, एक वृत्त खींच दिए। ये 8 सेंटीमीटर जो रेखाखंड था इसके मध्य बिंदु को हम केंद्र मान लिए थे, मान लो इसका ये ओ हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों किए, तो 4 इसको नाप लिए, हम चाहते तो इसको आधा से अधिक लेकर रेखाखंड खींचते दोनों ओर, फिर मिलाते तो भी यही बिंदु आता, लेकिन एक लाइन बढ़ जाता। अब जो है यहां जो इस लाइन को टच किया, यहां से बी को हमें एक रेखाखंड मिला देना, बी से ये मिला देंगे, तो मिलाने के बाद ये हो जाएगा डी बिंदु, ठीक है।
अब हम क्या देखते हैं, एक वृत्त खींचे हैं, ये वृत्त जो है बी डी सी तीनों से होकर गुजर रहा है। बस यही क्वेश्चन था, ऐसा खींचना है जो तीनों से गुजरे, ये तीनों से गुजर रहा है और उसके बाद जो है ये समकोण त्रिभुज भी हो गया। अब अगला स्टेप में क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ए से ये पॉइंट ए है, इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो इसके लिए हमें इस केंद्र को पहले ए से मिलाना होगा। ए को मिला दिए केंद्र से, अब इसको आधा से अधिक पॉइंट लेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा चाप ले लेते हैं, यहां पर काटेंगे एक बार ए से हम इस रेखाखंड ए ओ जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं दो भाग में, एक बार इधर काटते हैं, ठीक है, एक बार इधर लिए ए से चाप, अब हमें फिर ओ से इसको काट देना है, ओ से यहां पर कटा फिर यहां पर कटेगा, ये दोनों को काटना है, तो दो को पॉइंट आया, एक ये पॉइंट है मेरा और दूसरा यहां ये आया, तो हम क्या करेंगे इस बार लाइन खींचेंगे नहीं तो बहुत सारा गैदरिंग हो जाएगा, तो ये लाइन के हिसाब से उस पर हम सिर्फ बिंदा लगा लेते हैं, ठीक है, लाइन खींचेंगे तो बहुत सारा गैदरिंग हो जाएगा, इसीलिए हम क्या किए एओ के मध्य बिंदु जो आने वाला था वहां पर हम पॉइंट ही सिर्फ लगा लिए। अब इसी को केंद्र मानना है, केंद्र माना गया, इसी को केंद्र मानकर एक वृत्त और हमें खींच देना, ठीक है, इस तरह से ये वृत्त हम खींच रहे हैं, ये वृत्त खींचा गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं, ये जो पॉइंट मिला इससे तो ए मिल चुका है पहले से, अब हमें सिर्फ यहां से ये पॉइंट एक्स्ट्रा जो आया इसको मिला देना, तो ये हो गया स्पर्श रेखा, इसका नाम रख देंगे हम, तो केंद्र बी ये जो है ओ वाले ये वृत्त हुआ, इसका स्पर्श रेखा ए बी तथा जो है ए एम हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। ये क्लास 10th का VVI प्रश्न था रचना का।